की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। मैं राम नरेश पारासर, सांसद प्रतिनिधि उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, वासियों को रामनवमी और दशहरे के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जिस तरह भगवान राम ने पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद सभी राक्षसों का संहार किया, पूरी पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दिया, सभी लोग सुख और शांति के रूप में रहने लगे, इसी तरह आने वाले दशहरा तक मैं शुभकामना देता हूँ। भगवान राम की कृपा से लोग रामलीला देखने के बाद अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सुखमय करने के लिए जो भगवान राम ने कार्य किए हैं उन पर पदचिन्हों पर चले, और इसके साथ ही सारे क्षेत्र की जनता को मैं पुनः शुभकामना देता हूँ। उनका जीवन, भगवान उनके जीवन में सुख और समृद्धि दे और दिन दूना रात चौगुनी करे। नील गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि रोहतास नगर विधान निवास है। अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को, अपने देश के सभी नागरिकों को रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे निरंतर हमारे हिंदू समाज में रामलीलाओं का मंचन होता है, उससे सभी समाजों को जो प्रेरणा मिलती है राम जी के चरित्र से, उसी तरीके से हम सबों को उसी की प्रेरणा लेकर, भगवान राम की प्रेरणा लेकर समाज में कार्य करना चाहिए जिससे देश में सुख खुशहाली आए और देश में समृद्धि आए। मैं मनी बंसल, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा और सांसद श्री मनोज तिवारी जी के क्षेत्र की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मेरे क्षेत्र के सभी निवासियों को दशहरा और रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री राम हमारे हृदय में हमेशा वास करते रहें और इसी तरह हम रामलीला हर वर्ष उत्साह से मनाते रहें, इसी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नियोति जैन, महिला मोर्चा यमुना विहार मंडल की अध्यक्ष, मैं सभी यमुना विहार क्षेत्रवासियों को रामनवमी, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करती हूं कि इस त्यौहार को, इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाएं। हमारे यहां जैन समाज में वासुनंदी महाराज के शिष्य श्री शिवानंद जी और श्री पशमानंद जी महाराज पधारे हुए हैं, उन्होंने यहाँ संकल्प शाकाहार संकल्प यात्रा का अनुभव किया हुआ है आह्वान, तो मैं सभी यमुना विहार क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध करूंगी कि वे शाकाहार अपनाएं और शाकाहार को अपना कर वे अपने जीवन को आगे अच्छा बनाएं, और यही मेरी सभी क्षेत्रवासियों से अपील है, अनुरोध। सिंह, जिला उपाध्यक्ष नवीन शादरा और भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता। बड़ा शुभ त्यौहार अनेकों वर्षों से चला आ रहा है, उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, परमपिता परमात्मा ये त्यौहार सबके घरों में बड़ी सुखाली से मनाए, इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी और दशहरे के उपलक्ष्य में तेज निगाहें के माध्यम से पूरे देश को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये हमारा त्यौहार बड़ी खुशी से, बड़े आराम से व्यतीत हो और मीडिया कर्मी जो है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा योगदान कर सकते हैं। पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय ये इसीलिए होती है कि हम इस चीज़ को याद रखें कि जो गलत कार्य करेंगे वो कभी ना कभी उनका हमको पश्चाताप करना पड़ेगा।